नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बालों के लिए अंडा अच्छा होता है ये तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन सिर्फ पीले भाग को लगाने पर क्या फायदा नजर आता है और इसे लगाने से बालों पर कैसा असर दिखता है, ज्यादातर लोग सटीक तरीके से नहीं जानते हैं। अंडे का पीला भाग यानी एग योक, इनसे बालों को बढ़ने में मदद मिलती है। जिनके बाल ड्राई होते हैं उन्हें खास तौर से अंडे के पीले हिस्से को बालों पर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट होता है जो बालों को मुलायम और चमकदार बनाने का काम करता है। आप अंडे के पीले भाग से वीडियो में बताए गए कुछ हेयर मास्क लगा सकते हैं। सबसे पहला है दही और अंडा। दही और अंडे को मिलाकर बनाया गया हेयर मास्क बालों को मुलायम और घना बनाने के लिए अच्छा है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच दही लेकर उसमें एक अंडे का पीला भाग मिला लीजिए। इसमें एक नींबू को निचोड़कर और इसे मिश्रण में डाल लें। इसे बालों पर लगभग 20 मिनट तक लगाकर रखने के बाद धो लें। ये हेयर मास्क बालों को नमी देने के लिए अच्छा है। इसके बाद आता है अंडा और बादाम का दूध। ये हेयर मास्क बालों को नमी देने के लिए अच्छा है। इसे तैयार करने के लिए 4 से 5 चम्मच बादाम का दूध लेकर उसमें अंडे का पीला भाग और 1 चम्मच नारियल तेल मिला लें। इस मास्क को बालों पर 20 मिनट तक लगाएं। उसके बाद शैम्पू से बाल धो लें। इसके बाद आता है अंडा और ऑलिव ऑयल। प्रोटीन, फैटी एसिड्स और विटामिन ए, डी और ई जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अंडे के पीले हिस्से से बना यह हेयर मास्क बालों को टूटने से बचाता है और उन्हें बढ़ने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए 2 अंडे का पीला भाग लेकर इसमें 2 चम्मच भरकर ऑलिव ऑयल और 1 कप पानी डालकर मिलाइए। इसे बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाकर कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखें और उसके बाद ही बाल धो लें। इसके बाद आता है अंडा और एलोवेरा। एलोवेरा जेल और अंडा बालों पर लगाने के लिए एक कटोरी लें। इसमें 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल या ताजा एलोवेरा का गूदा लेकर 2 या फिर 3 अंडे के पीले भाग डाल दें। इसके बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर इस मिश्रण को मिलाएं। तैयार है आपका हेयर मास्क। इसे आप बालों पर आधे घंटे तक लगाए रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।